लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना के कारण घट रहे रक्त भंडार की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदान शिविरों के आयोजन का आह्वान किया है। इसे बल देते हुए आज नई मुंबई शिवसेना के उप विभाग प्रमुख राजेश पोसम ने जूही नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे, उप नेता विजय नाहटा और जिला प्रमुख विट्ठल मोरे खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने जहां आयोजन के लिए राजेश पोसम की सराहना की, वहीं रक्तदान शिविर में शामिल नागरिकों का उत्साह भी बढ़ाया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आह्वान पर आज नई मुंबई शिवसेना ने जूही नगर में रक्तदान अभियान चलाया। इसका आयोजन उप विभाग प्रमुख राजेश पोसम ने किया था, जहां सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे और उप नेता विजय नाहटा, जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर और मिलिंद सूर्यराव खासतौर पर मौजूद थे। शिवसेना नेताओं ने यहां रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया, साथ ही आयोजक की भी सराहना की। सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा ने कहा कि आज कोरोना संक्रमण के कारण अस्पतालों में रक्त की भारी कमी दिख रही है, इसलिए शिवसेना इसे पूरा करने और नागरिकों को राहत दिलाने 100% मानव सेवा में जुटी है। उन्होंने विश्वास जताया कि शिवसेना की इस जनसेवी पहल से जरूर राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पक्ष प्रमुख हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ने 2-3 महीने पहले आह्वान किया था कि ब्लड की बहुत ज़रूरत है, ब्लड बहुत कम है, तो उस समय भी शिवसेना के हमारे सभी पदाधिकारियों ने बहुत बड़े पैमाने पे रक्तदान शिविर लेके हजारों बॉटल कॉरपोरेशन में जमा किए थे। अभी फिर से 8-10 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ब्लड की बहुत ज़रूरत है, इसलिए शिवसेना ने नवी मुंबई में जगह जगह पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आदरणीय इंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहब ने हमको जो शिक्षा दी है, 80% समाजकारण, 20% राजकारण, तो अभी समय इतना ख़राब है कि 100% समाजकारण हम लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे आदरणीय खासदार विचारे साहब आए हुए हैं, हमारे जिला प्रमुख मोरे साहब आए हुए हैं, हमारे सब उपजिला प्रमुख, सब पदाधिकारी है और सब लोग इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है हर जगह हम रक्तदान शिविर लेके लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज जो यह पूरा देश में जिस तरीके से कोविड का प्रादुर्भाव आज जिस तरीके से हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आह्वान किया था कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हर शाखा शाखा में होना चाहिए, आज मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नई मुंबई शहर के हमारे सभी शिवसेना के पदाधिकारी, खास करके यहाँ जो हमारे आदरणीय राजेश कोसम, ये इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये हर साल हमारे यहाँ पे गए एक साल के अंदर मेरे ख्याल से 5-6 जगह पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है, फिर बाद में मेडिकल कैंप है, प्लाज्मा दान शिविर, और यहाँ पे अनाज वाटप का भी कार्यक्रम, जो गरीब लोग हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ऐसे सब एक साल के अंदर जो कोविड काल में यहाँ पे हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारियों ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज भी यहाँ पे 2 जगह पे यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन शिवसेना के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है, मैं सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजक उप विभाग प्रमुख राजेश पोसम ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण हॉस्पिटलों में रक्तदाता नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उन्होंने रक्तदान में शामिल नागरिकों के अच्छे प्रतिसाद पर आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।